एकता कपूर का अपकमिंग शो जो आपको कलर्स टीवी पे देखने को मिलेगा। इस शो में लगातार अलग अलग कोस्टार की बातें चल रही हैं और अब सामने आ गया है फरमान खान के अपोजिट आपको संबुल तौकीर खान देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर इस न्यूज़ में या यूं कह लीजिए ये रूमर्स में कितनी है सच्चाई और आखिर किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा फरमान खान के अपोजिट। ये शो कब तक आपको देखने को मिलेगा, इस शो से जुड़े हुए वो राज जो शायद आपको ना पता हो, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आप भी एकता कपूर के शो के वेट कर रहे हो जो कि बहुत ही जल्दी यानी कि दिसंबर के महीने में लॉन्च हो सकता है कलर्स टीवी पे, जिसके अंदर आपको लीड एक्टर के तौर पे तो फरमान खान नज़र आने वाले हैं, लेकिन दूसरे तरफ लगातार एक्ट्रेस की जो ऑडिशंस हैं वो अभी चल रहे हैं और कई बार ये नाम सामने आ रहा है कि कृतिका सिंह यादव हो सकती हैं उनके अपोजिट। दूसरी तरफ श्वेता दिगले का भी नाम सामने आया था, लेकिन जिस तरीके से फैंस डिमांड कर रहे हैं हो सकता है टीवी क्वीन एकता कपूर इस शो के लीड स्टार कास्ट में बदलाव कर सकती है और आने वाले दिनों में इस शो में संबुल तौकीर खां की एंट्री होती है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि फरमान खान के अपोजिट संबुल तौकीर खां कास्ट कर ली गई है, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। अब तक एकता कपूर या बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, क्योंकि आपको पता होगा फरमान खान भले ही अपने एक नए शो को साइन कर चुके हैं लेकिन अब तक संबुल तौकीर खां बिग बॉस में ही अपना गेम खेल रही है। तो अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कृतिका सिंह यादव या फिर आपको श्वेता दिगले फरमान खान के अपोजिट देखने को मिले। ये बहुत अच्छा होगा अगर एकता कपूर के शो में फरमान खान और संबुल तौकीर खां की जोड़ी एक बार फिर स्मॉल स्क्रीन पर आती है, क्योंकि फैंस लगातार इनको देखना चाह रहे हैं और लोगों की माने तो धर्म पत्नी जैसे शो में जो कि एक फैमिली ड्रामा शो होने वाला है, ऐसे शो में फरमान खान के अपोजिट अगर कोई बेस्ट एक्ट्रेस होगी तो वो है संबुल तौकीर खां। आप अपना ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लगता है आपको, क्या फरमान खान के अपोजिट संबुल को कास्ट करना चाहिए या आपको लगता है कि बस ठीक है अब अगर एकता कपूर जिस भी एक्ट्रेस को कास्ट कर देगी वी विल टॉलरेट फॉर दिस? तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।